मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री, जो हमारा चैप्टर चल रहा था राजा किसान और नगर, चैप्टर नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जहां पे फर्स्ट पार्ट में मैंने कई सारे चीजों के बारे में बताया था। लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो 16 जनपदों के ऊपर चल रहा था, जहां पे मैंने 16 जनपद बताए थे और जो मगध था, मगध जो सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद था, क्यों था, इन सभी चीज के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया हूं। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है, जो हमारा टॉपिक है, एक आरंभिक साम्राज्य। आरंभिक का मतलब होता है स्टार्ट होना, मतलब कोई ऐसा चीज, मतलब जो उसके मतलब रिसेंट आया हो, है ना। तो एक आरंभिक साम्राज्य, ये उस टाइम का आरंभिक साम्राज्य था। तो मगध जो था, मगध के साथ साथ एक साम्राज्य की और उत्पत्ति हुई जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य क्या है और ये कैसे आया। तो देखिए क्या लिखा है कि मगध के साथ साथ एक साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इनका फैलाव कहाँ कहाँ था, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। अब यहाँ से देखिए, मैं एक चीज आपको दिखा दूं, ये है मैप। तो ये है आपका मगध, और ये बलूचिस्तान और अफगानिस्तान कहाँ है, तो ये जो एरिया है इसे अफगानिस्तान बोलते हैं, और ये जो एरिया है इसे क्या बोलते हैं, बलूचिस्तान बोलते हैं, ठीक है। और ये सारा एरिया अब किसके अंडर आ जाता है, एक तरीके से देखो ये पूरा का पूरा, है ना, पाकिस्तान के अंडर हो जाता है। तो अब देखिए कि जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य पूरा फैला हुआ था, यहाँ से ऐसे ऐसे करके पूरा फैला हुआ था। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं, ये जो स्लाइड है मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में मैंने दिखा दिया है, वहां पे हमने बात किया था हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश आया था जिसके संस्थापक बिंबिसार थे, और लास्ट में मतलब अंतिम संस्थापक कौन थे, नगदशक थे। और इसके बाद किसका वंश चला, शिशुनाग वंश का चला, ये टाइम पीरियड है। और इसको स्थापना किसने की, तो शिशुनाग ने की थी, और इनका लास्ट संस्थापक कौन थे, नंदीवर्धन थे। इसके बाद नंद वंश आ गया, नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्म नंद। अब देखिए यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है, महापद्म नंद, महापद्म नंद नंद वंश के प्रथम संस्थापक थे, मतलब इनके संस्थापक करने वाले यही थे। और जो ये जो घनानंद थे, ये अंतिम संस्थापक थे। घनानंद बहुत ही क्रूर संस्थापक था, और एक स्टोरी बताई जाती है कि चाणक्य जो थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे चाणक्य, ठीक है, ये तो मंत्री तो बाद में बने, पहले इनकी स्टोरी क्या थी कि जो चाणक्य शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, तो उस टाइम पे क्या था कि एक बार जो घनानंद था अपने दरबार में बुलाता है, और उस टाइम पे बहुत बेइज्जती करता है चंद्रगुप्त चाणक्य का। और बेइज्जती करने के बाद, मतलब एक तरीके से उनकी जो चोटियां होती है उनको भी कटवाने का या घसीटने का ऐसा कोई धमकी वगैरह देता है, तो जो चाणक्य थे, चाणक्य को बहुत धक्का लगा, और उन्होंने उन्हीं भरी दरबार में घनानंद को बोला कि तुम्हारा सिंहासन जो है वो हम छुड़वा, मतलब खत्म कर देंगे, तुम्हारे वंश को ही खत्म कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट क्या होता है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं, और वो छोटे से बच्चे होते हैं उस टाइम पे, फिर उनको प्रशिक्षण देते देते चंद्रगुप्त मौर्य को एक अच्छा शासक बना देते हैं, और फिर उनका टारगेट क्या रखते हैं कि जो घनानंद है, यानी कि जो नंद वंश है, उसको खत्म करना है। और नंद वंश को खत्म करके जो चंद्रगुप्त मौर्य है, किसकी स्थापना करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो यही है, मौर्य वंश कब आया, तो 1321 से लेकर 185 बीसी तक आया था, ठीक है। और फिर क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य आ गए, काफी महान शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर ये धीरे धीरे अपने साम्राज्य को फैलाए, इनके जो मंत्री बने कौटिल्य बने, यानी कि चाणक्य जिनको बोला जाता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या होता है कि इनके जो बेटे हुए, बेटे का नाम था बिंदुसार। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हर एक वंश का जो संस्थापक थे जिनका नाम था बिंबिसार, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे इनका नाम था बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार होते हैं, और बिंदुसार के जो बेटे होते हैं वो होते हैं अशोक, ठीक है। इस तरीके से सिलसिला चलता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे काफी महान शासक थे, और अशोक का काफी जिक्र मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के, मतलब ये मौर्य साम्राज्य के ऊपर, ठीक है, कि अशोक जो थे काफी महान सम्राट थे, ठीक है, उतना बिंदुसार का नहीं मिलता है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, आपको सारी चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो ये थे बृहद्रथ थे, ये सबसे अंतिम संस्थापक थे मौर्य साम्राज्य के, ठीक है, ये अशोक के बाद आए थे, ठीक। इनके वंशज वगैरह धीरे धीरे करते करते ये हो गया था। चीजें समझ में आ रही है आपको, नंद वंश मैंने बता दिया, संस्थापक ये हो गए, और अंतिम संस्थापक ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम संस्थापक ये, आई होप समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों के नाम लिखिए, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे मैं दो चीज आपको बताऊंगा, एक साहित्यिक स्रोत, और एक होता है पुरातत्व स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब जो लिखे गए हैं, जैसे दस्तावेज हो गया, किसी की पुस्तक हो गई, किसी का ग्रंथ हो गया, ये साहित्यिक पुस्तक होते हैं। और जो पुरातत्व वस्तु होती है वो जैसे मोहरे हो गई, जैसे किसी
चीज पे लिखा हुआ चीज हो गया, ठीक है, वहाँ की इमारतें हो गई, भवन हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके पुरातत्व में आते हैं, पुरावस्तु में आते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का सहारा लिया है। कौन कौन से स्रोत हैं? तो पहला चीज है, आपको याद क्या रखना है कि मौर्य साम्राज्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीस के इंडिका, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मेगस्थनीस की इंडिका। यहाँ पे मैं चार पुस्तक आपको बताऊंगा और आपको वो याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेगस्थनीस की जो इंडिका है, इसमें क्या है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, ठीक है, प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है और तत्कालीन साम्राज्य का जो समाज का सुंदर वर्णन किया गया है मेगस्थनीस में, मेगस्थनीस की जो इंडिका थी उस चीज में, ठीक है, इन्होंने इस पुस्तिका को लिखे थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मेगस्थनीस कौन थे, तो मेगस्थनीस जो थे ये एक राजदूत थे, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो थे, सेल्यूकस निकेटर, उनके एक राजदूत भेजे गए थे क्योंकि उनकी जो बेटी थी उनका शादी हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है, हेलना शायद नाम था उनका, हेलना, तो उनकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य से और साथ में यूनानी राजदूत सेल्यूकस निकेटर क्या करता है कि मेगस्थनीस को इनके साथ भेज देता है और जब वो यहाँ पे आते हैं तो ये सारा प्रशासन वगैरह देखते हैं और इंडिका नामक पुस्तक लिखते हैं और उसके में वर्णन करते हैं। दूसरा चीज क्या समझ में आता है कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है इसमें भी मौर्य साम्राज्य के शासन के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो विशाखदत्त की राक्षस मुद्रा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया चार प्रकार के मैं ग्रंथ बताऊंगा, उसको आपको याद रखना, चार प्रकार की पुस्तकें हैं। तो ये तो तीन हो गई, मेगस्थनीस की इंडिका, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और विशाखदत्त की राक्षस मुद्रा। इस बात का पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को किस प्रकार से प्राप्त किया, मतलब क्या नंदवंश से किस प्रकार अपना साम्राज्य प्राप्त किया है, तो नंदवंश को कैसे खत्म किया गया है और उसके बाद मौर्य साम्राज्य को कैसे स्थापित किया गया, इन सभी चीज का जो जिक्र किया गया है विशाखदत्त की राक्षस मुद्रा में किया गया है। आगे अगर बात करें तो इसके साथ साथ ही मौर्य शासकों का वर्णन जैन धर्म और बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। तो ये चार तरह की पुस्तकें हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, पत्थर एवं स्तंभों पर लिखे मिले अशोक के अभिलेख अक्सर सबसे मूल्यवान बहुमूल्य स्रोत माने जाते हैं। यह हमें अशोक के धर्म तथा प्रजा हित ऐसे कार्यों के विशेष जानकारी देती है क्योंकि अशोक के टाइम पे अभिलेख कुछ ज्यादा ही लिखे जाते थे क्योंकि ये जगह जगह पे जो भी इनके अनुशासन होते थे, जो भी नियम होते थे, वो अन्य अन्य जगहों पे अपने साम्राज्य में अलग अलग जगहों पे क्या है लिखवा के लगा दिए जाते थे, सभी को उन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो अशोक के जो अभिलेख है काफी बहुमूल्य जो स्रोत है जिसकी वजह से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मूर्तियों के द्वारा भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। एक चीज और, यहाँ पे सिक्कों के द्वारा भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो साम्राज्य का प्रशासन यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था उसका प्रशासन कैसे चलता था, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मौर्य साम्राज्य को 5 मुख्य राजनीतिक केंद्रों में विभाजित किया गया था क्योंकि मौर्य साम्राज्य कोई छोटा तो था नहीं, काफी बड़ा था, तो जाहिर सी बात है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के केंद्र बना दिए गए थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। तो 5 प्रकार के राजनीतिक केंद्र थे, तो पहला था पाटलिपुत्र और बाकी जो 4 प्रांतीय जो केंद्र थे जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी, ये जो चीज है ये अलग अलग जगहों पे मतलब इनका राजनीतिक केंद्र था जहां से ये पूरा कमांड हासिल करते थे। ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है जिसको मैं आगे चल के मैप में भी जब मैप के क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें सारा मैं भरवा दूंगा, तो इसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आप इनको याद करके रखिए, 5 राजनीतिक केंद्र थे, एक तो था पाटलिपुत्र और उसके बाद तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी जो थी, ये सारा चीज था। आगे अगर बात करें तो जिक्र सबसे ज्यादा अशोक के अभिलेख में किया गया है इन सभी का। नेक्स्ट बात करते हैं, तक्षशिला एवं उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले अहम व्यापार मार्ग पर स्थित है। सुवर्णगिरी जो है यानी कि सुवर्णगिरी यानी कि सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने के खदान के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जो सुवर्णगिरी है ये किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बताया जाता है कि जो पहाड़ है वो सोने का, सोना मत समझना पूरा सोना नहीं बल्कि सोने के कुछ जो पार्ट्स होते हैं ना वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है जितने भी सब खनिज में आते हैं धातु होती है, तो ये सारे चीज कहाँ पे मिलता है, जो कर्नाटका है, कर्नाटक में जो पहाड़ है वहाँ पे खुदाई करते टाइम या उनमें मिल जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं, राजधानी से प्रांत तक जाने के लिए सप्ताह अथवा महीने का समय लग जाता था। राजधानी जो पाटलिपुत्र थी वहां से जाने के लिए कहीं और दूसरे केंद्र जाने के लिए सप्ताह या फिर महीनों का समय लग जाता था, तो आपको पता है काफी लंबा डिस्टेंस हो जाता था। जब डिस्टेंस लंबा है तो जाहिर सी बात है कि रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था करना, सुरक्षा की व्यवस्था करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या लिखा है कि इस बात से यह प्रतीत होता है कि सुरक्षा और खाने की व्यवस्था दोनों ही महत्वपूर्ण रही होगी। ठीक है ना, क्योंकि इनके बीच जो दूरी है वो लंबी है और जाहिर सी बात है मौर्य साम्राज्य काफी जगहों पर फैला हुआ था, पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, ठीक है, चाहे बलूचिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर नीचे कर्नाटका से लेकर आगे इधर असम से लेकर बहुत सारा एरिया कवरअप था। तो इस तरीके से
इस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और खाद्यान्न सुरक्षा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेगस्थनीज के अनुसार सेना व्यवस्था किस हिसाब से थी, क्योंकि मेगस्थनीज वहाँ पे राजदूत था तो जाहिर सी बात है इनको सबसे अच्छा पता होगा। तो इनके हिसाब से जो था कि एक समिति बनाई गई थी और 6 उपसमितियां बनाई गई थी, यानी कि सेना व्यवस्था में एक समिति बना दी गई थी और 6 उपसमिति बना दी गई थी और उपसमिति इस हिसाब से डिवाइड की गई थी ताकि हर एक चीज अच्छे से संचालित हो पाए। जैसे नौसेना संचालन हो गया, यातायात खान पान संचालन हो गया, पैदल सैनिक संचालन हो गया, अश्वारोही संचालन हो गया, रथारोही संचालन हो गया, हाथियों के लिए संचालन। मतलब क्या है इसका एक तरीके से समझे, जैसे आप देखो अपने माइंड में, अगर आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जब लड़ाई होती है तो उसमें अश्वारोही भी होते हैं, मतलब घोड़े जो घोड़े चलाते हैं वो भी होते हैं, रथारोही भी होते हैं जो रथ पे होते हैं, इसके अलावा आपने देखा होगा हाथी पे भी बैठ के लोग लड़ाई करते हैं, वो चीज हो गए, कुछ लोग थे पैदल जो लड़ाई करते थे। तो इत्यादि जो चीजें थी अलग अलग टाइप से डिवाइड किए थे ताकि जो लड़ाई हो वो हर एक प्रकार से हो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी संचालन के लिए कई प्रकार उपसमितियां बना दी गई थी जो कि अलग अलग टाइप से थी। इसके अलावा कुछ अन्य उपसमितियां भी थी, जैसे इनको खाना देना, ठीक है, पशुओं को चारा डालना, जैसे ये जैसे हाथी हैं हो गए या घोड़े हो गए, इनको चारा भी तो चाहिए, तो इन सबों को अन्य जो उपसमितियां थी वो सारा चीज रख रखाव करती थी, ठीक है। बाकी जो 6 मुख्य थी ये 6 मुख्य उपसमितियां थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो धम्म क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, धम्म एक्चुअल में है क्या। तो देखिए धम्म की अगर बात करें तो धम्म एक प्रकार की नियमावली है जो कि अशोक के टाइम पे अशोक जो थे अलग अलग अभिलेखों पे ये सारा चीज लिखवा के अपने साम्राज्य में मतलब वो कर देते थे, लगवा देते थे, ताकि जो वहाँ के लोग हैं उस चीज को पढ़ें और पढ़ने के बाद उसके नियमों को फॉलो करें। ये जो धम्म था बेसिकली अगर मैं बात करूं, धम्म एक एक तरीके से नियमावली थी जिसमें बड़ों के प्रति आदर, ठीक है, दुख जो दुखी थे जो गरीब थे उनके प्रति उदारता, मतलब एक तरीके रिस्पेक्टेबल सारा चीज जो था ना, एक अच्छे राजा की जो क्वालिटी होती है वो सारा का सारा चीज जो धम्म था उसमें लिखवा दिया जाता था, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो धम्म एक प्रकार की नियमावली थी, धम्म के सिद्धांत अत्यंत साधारण एवं सार्वभौमिक थे, ठीक है ना, सभी के लिए इम्पोर्टेंट थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था, अभिलेखों में इसका जिक्र किया गया था। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों एवं ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों तथा दासों के साथ साथ उदार व्यवहार और दूसरे के धर्मों एवं परंपराओं का आदर शामिल हुआ करता था, ठीक है। आगे अगर बात करें तो धम्म के प्रचार के लिए इन्होंने एक वो भी रखा था, एक ग्रुप भी रखा था जिसको धम्म महामात बोला जाता था। ये विशेष प्रकार के अधिकारी होते थे जिनको नियुक्त किया जाता था, और ताकि ये जो धम्म थे धम्म को विभिन्न जगहों पर फैलाया जा सके और कोई भी अगर दिक्कत है परेशानी है तो ये जो धम्म महामात्य होते थे ये उनको सॉल्व करते थे। और जो धम्म महामात्य होते थे ये इनको जो पैसा वगैरह मिलता था ये राजा की तरफ से मिलता था ताकि ये जो धम्म है उनको अच्छे से फैला पाए, ताकि उनके समाज में कोई दिक्कत ना हो। एक चीज और मैं बता दूं कि अशोक जो था, अशोक उस टाइम के मतलब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली शासक तो थे, इसके अलावा बहुत सारे साम्राज्यों को इन्होंने जीता भी था, और एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि इनके अंदर कभी भी दया भावना तो थी नहीं। लेकिन आगे चल के एक कलिंग का युद्ध होता है, और कलिंग के युद्ध में जब इन्होंने काफी चीज देखा, भारी नुकसान हुआ और लोगों को मरते हुए देखा, तो इनके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो गया। और बताया जाता है कि कलिंग का जो युद्ध था, कलिंग के युद्ध होने के बाद जो अशोक थे वो पूरा ही चेंज हो गए, और उसके बाद ये लड़ाई झगड़ा करने में बिलीव नहीं रखते थे, अखंड मौर्य साम्राज्य बनाना चाहते थे जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि सबको मिलजुल कर रहना होता था, ठीक है ना। ये इस चीज के लिए प्रेरित थे। तो पहले ये क्रूर थे एक तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि ये 101 भाई थे जिन्होंने 101 भाई में से सबको ही मरवा दिया था, सिर्फ यही बचे हुए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत ही क्रूर थे, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद ये पूरा ही अपना वो सुधर जाते हैं, और उसके बाद मतलब समाज के बारे में सोचने लगते हैं और एक अच्छे राजा के रूप में निखर के आते हैं, और मौर्य साम्राज्य के काफी जो अच्छे शासक के रूप में ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पे देखिए 19वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने जब भारत के प्रारंभिक इतिहास की रचना करनी आरंभ की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के अनेक अभिलेख मिले जो कि दूसरे शासकों के अभिलेखों से भिन्न थे, यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो अभिलेख थे वो दूसरे जो शासक थे उनसे भिन्न हुआ करते थे, क्योंकि इनमें लिखावट ही अलग होती थी और एक तरीके से उनकी जो नीतियां जो लिखी जाती थी वो भी अलग होती थी, इस वजह से ये भिन्न हुआ करते थे। इससे हमें ये पता लगता है कि दूसरे राजाओं की तुलना में अशोक एक प्रमुख ताकतवर एवं परिश्रमी शासक था, यानी कि अशोक ने जो जो अभिलेख लिखाए हैं उसमें जिन वर्डों का यूज किया वो अलग था, बाकी जो अन्य शासक थे उन्होंने जो चीज यूज किया करवाए अपने अभिलेखों में वो अलग थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो यह साम्राज्य 150 वर्ष तक ही चल पाया। आगे बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य उप महाद्वीप के
सभी इलाकों में नहीं फैला हुआ था, यानी कि उपमहाद्वीप के सभी इलाकों में नहीं फैला हुआ था। पहले तो स्टार्टिंग में था, फिर धीरे धीरे अन्य अन्य जगहों पर राजाएं धीरे धीरे अपना उत्पन्न होने लगे, और जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य में अशोक के बाद जैसे बेकार मतलब अयोग्य शासक जैसे जैसे आने लगे, वैसे वैसे अन्य अन्य जगहों पर राजाओं की उत्पत्ति होने लगी। ठीक है, यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक जैसा नहीं था, और दूसरी सदी पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के अनेक हिस्सों में नए नए शासक एवं रजवाड़े स्थापित होने लगे। ठीक है ना, क्योंकि शासक धीरे धीरे अयोग्य होने लगे, और जाहिर सी बात है कि उस तरीके से जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य चलाए थे, उसके बाद जो अशोक थे वो चलाए थे, क्योंकि बिंदुसार का तो उतना जिक्र आता नहीं है, अशोक जिस हिसाब से चलाया करते थे, उसके बाद जितने भी शासक थे अयोग्य धीरे धीरे होते चले गए, और इस वजह से नए नए रजवाड़े और नए नए जो कि राजा थे उनकी उत्पत्ति होने लगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे देखो लिखा है कि राजधर्म के नवीन सिद्धांत क्या हुआ करते थे, तो यहाँ पे दो तरीके के आपकी चीजें बताई जाएंगी। पहला है कि दक्षिण के राजा और सरदार, जैसे कि मैंने बताया नए नए प्रकार के अब राजा उत्पन्न होने लगे, तो इस तरीके से उपमहाद्वीप के दक्कन एवं दक्षिण के क्षेत्रों में तमिलकम का मतलब क्या होता है कि तमिल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, इन सभी जगहों को तमिलकम बोला जाता था, एक ही वर्ड में बोल दिया जाता था तमिलकम। ठीक है, में चोल चेर एवं पांडे जैसे सरदारियों का उदय हुआ। जैसे मतलब क्या है कि एक प्रकार की जातियां होती थी, चोल चेर पांडे जैसे सरदारियों का उदय होने लगा अन्य अन्य जगहों पे। ठीक है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य अब धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये साम्राज्य अत्यधिक समृद्ध एवं स्थायी सिद्ध हुए थे, और इन राज्यों के विशेष विषय में विभिन्न प्रकार के स्रोत से हमें जानकारी प्राप्त लगती है। उदाहरण के लिए प्राचीन तमिल संगम, यानी कि प्राचीन जो तमिल संगम है, इनसे हमें इनके बारे में चोल चेर और पांडवों के बारे में हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं, सरदार एवं राजा लंबी दूरी के व्यापार एवं द्वारा राजस्व जुटाते थे, यानी कि जो सरदार होते थे और जो राजा होते थे, ये जो लंबी दूरी के जो व्यापार होते थे उनसे राजस्व लिया करते थे और जुटाया करते थे। तो यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं कि सरदार और सरदारी क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सरदार एक ताकतवर व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी होता था। वंशानुगत मतलब वंश वाइज, बेटे का बेटा इस तरीके से चलता था। देखिए, सरदार एक ताकतवर व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था एवं नहीं भी हो सकता था। मतलब ऐसा बताया जाता है कि वंशानुगत बेटे का बेटा भी हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये देखो जितनी भी चीजें हैं ना, सारी चीज, एक चीज आप याद रखिएगा कि जो इतिहास होता है ये तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक है, सबूतों पर, मतलब जो तथ्य होते हैं उन पे आधारित होता है। हो सकता है कि इनके डेट अलग अलग हैं, इनके बहुत सारी चीज अलग अलग हैं, तो इस वजह से पूरा सटीक चीजें नहीं इसमें डिस्क्लोज की गई है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि इनका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, इनके समर्थक उनके खानदान के होते थे, यानी कि इनको सपोर्ट कौन करते थे, इनके खानदान के लोग करते थे। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल था। मतलब अगर लड़ाई झगड़ा है तो उन सब चीज में मध्यस्थता निभाते थे, अगर कोई विवाद है उस टाइम पे ये बीच का काम करते थे, सुलझा वगैरह करा देते थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो वह अपने अधीन लोगों में भेंट लेता था, और इसके अलावा अपने समर्थक जो थे में उस भेंट का वितरण करता था। सरदारी में प्रायः कोई अस्थायी सेना अथवा अधिकारी नहीं होते थे। सरदार हमें समझ में आता है कि एक विशेष प्रकार के लोग हुआ करते थे जो कि वंशानुगत भी होते थे और नहीं हुआ कर सकते थे, और इनका काम क्या होता था, मध्यस्थता कराना, मतलब बीच का काम करते थे। ठीक है, लेकिन जो सरदारी थे ये कोई स्थायी सेना अथवा अधिकारी नहीं होते थे। सरदारी कोई स्थायी नहीं होते थे, बल्कि जो सरदार होते थे ये स्थायी होते थे। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं, दैविक राजा। दैविक राजा का मतलब क्या होता है कि देवता के तुल्य राजा, है ना, देवता के कंपेयर, मतलब देवता जैसे राजा की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे शासकों के बारे में बात करेंगे जो अपने आप को देवता तुल्य समझते थे, यानी कि अपने आप को देवता ही एक तरीके से मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना के द्वारा राजा उच्च स्थिति को हासिल करता था। आगे मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक राजा राज करने वाले कुषाण शासकों ने इस उपाय का सबसे बढ़िया उदाहरण पेश किया है, यानी कि जो कुषाण वंश थे ये अपने आप को दैविक राजा बोला करते थे। ठीक है, आगे क्या होता है, कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों एवं साहित्य परंपराओं के द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के निकट माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां मिली है, इनकी विशालकाय इनकी मूर्तियां मिली है, जहाँ पे ये दर्शाया गया है कि ये जो है देवता के तुल्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इतिहासकारों का विचार है कि इन मूर्तियों के माध्यम से कुषाण जो थे खुद को देवता तुल बताते थे, यानी कि पेश करते थे, वो अपने आप को देवता समझते थे। ठीक, तो यहाँ पे आप चीज देख सकते हैं कि एक प्रकार की मूर्ति है, बलुआ पत्थर से निर्मित कुषाण राजा की एक मूर्ति है।
हालांकि इनका सर तो है नहीं, बट ये इस तरीके से दिखाया गया है कि ये अपने आप को देवता के तुल समझते थे। यहाँ पे देखिए एक प्रकार के दो प्रकार के मुहरे हैं, तो एक कुषाण सिक्का अग्रभाग से कनिष्ठ शीर्ष भाग देवता। कहने का मतलब यह है कि कुछ इस तरीके से दिखाया गया है जो कि अपने आप को देवता तुल्य दिखाने की कोशिश की गई है। आगे अगर बात करें तो अनेक कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई, यानी कि देवता का पुत्र, देवपुत्र की उपाधि भी लगाई है। चौथी सदी में गुप्त साम्राज्य सहित अनेक विशाल साम्राज्यों के प्रमाण मिले, यानी कि चौथी सदी में गुप्त साम्राज्य सहित अनेक विशाल जो साम्राज्य थे इन सब चीजों का प्रमाण मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे अब पतन की ओर अग्रसर होता चला गया और नए नए रजवाड़े आते स्टार्ट हो गया, नए नए राज्य आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त वंश की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो श्रेय गुप्त को जाता है। गुप्त शासकों का इतिहास कैसे पता लगता है, तो साहित्य सिक्कों एवं अभिलेखों की मदद से लिया गया है, और साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा अथवा स्वामी की प्रशंसा में जो प्रशस्तियां लिखी जाती थी, ठीक है, उससे हमें पता लगता है। तो यहाँ पे मैं एक उदाहरण के थ्रू आपको बताऊंगा कि एक प्रशस्ति लिखी गई है जिसके द्वारा हमें गुप्त के बारे में पता लगता है। तो उदाहरण के लिए इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से लोकप्रिय प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिषेण, जो खुद सम्राटों के शासक सबसे ताकतवर सम्राट समुद्रगुप्त के राज कवि थे, ने लिखा है। यानी कि इन्होंने एक अभिलेख लिखा है जिसके माध्यम से इन्होंने गुप्त वंश के बारे में जिक्र किया है, ठीक है, जिनका नाम था हरिषेण। तो पहले जब पेपर वगैरह हुआ करता था, क्योंकि अब तो MCQ होने लगे हैं, पहले जब हुआ करता था तो उसमें प्रशस्ति, इनकी जो प्रशस्ति है ना, इनके बारे में पूछा जाता था, ठीक है, और ये पूछा जाता था कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये किसने लिखा है, तो आपको लिखना पड़ता था हरिषेण। हो सकता है कि इस बार भी एक नंबर के क्वेश्चन में ये चीज पूछ लिया जाए। आगे बात करते हैं बदलता हुआ देहात, यानी कि अब जो देहात था वो कैसे बदलता जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए जनता में राजा की छवि, यानी कि जनता राजा को कैसे, मतलब क्या है कि जो जनता है वो राजा को कैसे समझती थी। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाएगा कि राजा जो था, राजा नगरों में भ्रमण करने एक बार निकल गया जो अपनी वेशभूषा चेंज करके, तो उस टाइम पे नगर के जो लोग थे कौन कौन सी चीजें बोला करते थे, इन सभी चीजों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए राजाओं के विशेष में प्रजा क्या सोचती है, यानी कि राजाओं के जो विषय है उसमें जो प्रजा है वो क्या सोचती है, इसका जवाब अभिलेखों से हमें नहीं मिलता है। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयत्न किया है, उदाहरण के रूप में जातक एवं पंचतंत्र, पंच जो तंत्र है इसमें इनका जिक्र मिलता है, राजाओं के बारे में जिक्र मिलता है, जहाँ पे वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो जनता है वो किस प्रकार से हमारे बारे में सोचती है। तो यहाँ पे देखिए जातक कथाओं की रचना पहली सहस्राब्दी ईस्वी के मध्य में भाषा में लिखी गई थी, पाली भाषा में ये चीज लिखी गई थी, ठीक है। अब कौन सी चीज थी ये चीज देखते हैं। तो देखिए एक गंध दंतु नामक जातक नामक कहानी में ये बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा कैसे दुखी रहती है, यानी कि जब एक राजा जो कुटिल है उनकी जो प्रजा है वो कैसे उनसे दुखी रहेगा। अब देखो जो राजा है उसके अंदर कभी छल कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो राजा है सभी प्रजा का राजा होता है, तो जो प्रजा के दुख दर्द है वो राजा के दुख दर्द होने चाहिए, ठीक है। जैसे घर में एक फैमिली मेंबर में एक जो व्यक्ति होता है जो डिसीजन लेते हैं, चाहे वो दादा हो गए, दादी हो गए, पापा हो गए, कोई भी हो सकते हैं, तो उनके पास जितनी भी समस्याएं होती है वो हम लेके जाते, कहते हैं हमारे साथ ये हो गया, तो वो सारा चीज बोलते हैं ना, पैसे की जरूरत होती है पैसे देते हैं ना। ऐसे जो राजा होते हैं, राजा को भी अपनी प्रजा के बारे में इस हिसाब से समझना चाहिए। तो देखिए जो गंध दंतु जातक नामक जो कहानी है इसमें यह बताया गया है कि एक राजा जो होता है अगर वो कुटिल हो तो उसकी प्रजा कैसी होगी, ठीक है। तो इसमें एक स्टोरी दी गई है कि जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के मध्य या पता लगाने गया कि जनता उनके विषय में क्या सोचती है, तो एक एक करके जो जनता थी अपने दुखों का जितना भी बर्डन था ना, जितना भी चीज था, यानी कि ये सारा चीज किसकी वजह से हुआ, राजा की वजह से हुआ, ऐसा जिम्मेदार ठहरा दिया गया, ठीक है, ये सब जनता ठहरा दी राजा को। अच्छा, उनकी शिकायत थी कि रात्रि में, जैसे रात्रि में डकैत होते हैं वो लूट के लेके चले जाते हैं, और जो दिन होता है दिन में कर जो है वो राजा लूट के लेके चला जाते हैं, यानी कि हम एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे दिन में भी लूटे जाते हैं और रात में भी लूटे जाते हैं। आपने जोधा अकबर देखा होगा फिल्म, तो उसमें एक जगह पे दिखाया गया है कि जो राजा होते हैं यानी कि अकबर थे, वो एक बार भेष बदल करके चले जाते हैं, तो जनता विभिन्न प्रकार की चीजें बोलती थी, ये जजिया कर ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं, वो कर ले रहे हैं, है ना। तो ये सारा चीज अकबर सुनते हैं और सुनने के बाद उन सब करों को माफ कर देते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने भी एक चीज किया था जहाँ पे जनता ने उनको ही जिम्मेदार ठहरा दिया था कि जितनी भी परेशानियां दुख है वो सारा का सारा राजा का ही है, ठीक है। तो एक ऐसे राजा की बात हो रही है जो कि बहुत ही ज्यादा कुटिल है इसमें।
तो उनकी शिकायत थी कि रात्रि में डकैत लूटते हैं तो दिन में लगान इकट्ठा करने वाले अधिकारी लूटते हैं। इससे बचने के लिए लोग अपने गाँव को छोड़कर कहाँ चले गए, वन में चले जाए। ठीक है, तो अगर इन सब चीज से बचना है तो आप कहाँ पे जा सकते हो, वन में जा सकते हो, क्योंकि वन वगैरह में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आगे क्या है लिखा है कि इस जातक कथा से यह पता लगता है कि राजा एवं प्रजा खासकर ग्रामीण प्रजा के मध्य संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए विभिन्न भारी कर की मांग करते थे, जिससे कृषक विशेष तौर पर त्रस्त हुआ करते थे। यानी कि राजा एक तरीके से टैक्स लेता था ताकि उसका जो जो कोष है, जो राजकोष है, वो भरा जा सके। ठीक है, आगे क्या है कि इस जातक कथा से हमें ज्ञात होता है कि इस संकट से बचने के लिए एक ही तरीका था, वो क्या था, जंगल की ओर हमें बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उपज बढ़ाने के तरीके। ये सारा चीज देखो आपके एनसीईआरटी बेस पे है, सारा चीज वहीं से उठाया गया है, सारा चीज आपके लिए। ठीक है, अब उपज बढ़ाने के तरीके, तो क्या क्या चीज थी उपज बढ़ाने के तरीके, तो फटाक से देखते हैं। उपज बढ़ाने के जो तरीके थे, जैसे हल प्रचलन हो गया, हल आ गए थे जिसकी वजह से जुताई अच्छी होती थी और इसकी वजह से खेती अच्छी हो पाती थी। गंगा और कावेरी की घाटी की भूमि जो थी काफी उपजाऊ हुआ करती थी, और यहाँ पे धान जो थी, ठीक है, जिससे यहाँ पे जो धान की जो रोपाई होती थी वो अच्छी हुआ हो पाती थी। ठीक है, और जिसकी वजह से जो पैदावार थी धीरे धीरे बढ़ गई। लोहे के फाल वाले हल की वजह से जो फसल थी ये भी अच्छा होने लगा। कई जगहों पर खेती के लिए कुदाल का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखो कई सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जो ऊपर नीचे होते हैं, अब यहाँ पे हल का प्रयोग तो कर नहीं पाओगे, इस वजह से कुदालों का प्रयोग किया जाता था, और ये सारी स्ट्रेटेजी अपनाई जाती थी जिसकी वजह से जो फसल होता था वो अच्छा हो पाता था। देखिए आगे, उपज बढ़ाने के एक और तरीका कुआं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाने लगी। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं एवं नहरों जैसे सिंचाई साधनों का निर्माण करने वाले लोग अक्सर राजा अथवा प्रभावशाली लोग हुआ करते थे, जिन्होंने अपने इन कार्यों का उल्लेख अभिलेखों में कराया है। यानी कहने का मतलब यह है कि कई जगहों पर उपज बढ़ाने के लिए जो तालाब होते थे, कुएं होते थे, इन सब चीज का निर्माण किया जाता था। अधिकतर ये कौन करवाते थे, एक तो राजा करवाते थे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि धनी हुआ करता था वो तालाब खुदवा देता था, नहरें बनवा देता था, ठीक है, कुआं बनवा देता था, और इन सभी चीज का जो जिक्र मिलता है वो अभिलेखों में मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं किस प्रकार से थी, तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे उपज बढ़ने लगा तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि उपज बढ़ने के साथ साथ जो, जैसे सपोज अगर पैदावार अच्छा होता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसका जो लाभ है पूरे ग्रामीण जनता को मिलेगा, नहीं, इसका लाभ पूरे को नहीं मिलता है, बल्कि उनको ज्यादा मिलता है जिनकी जमीनें ज्यादा होती है। और पहले के टाइम पे जो जमींदारी थी, जमींदारी जिनके पास सबसे ज्यादा जमीनें हुआ करती थी, उनको इनका लाभ ज्यादा मिलता था। तो यहाँ पे देखिए कृषि के इस नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी किंतु इसका जो लाभ था सभी को नहीं हो पाया, क्योंकि समाज में विभिन्नताएं बहुत सी थी। जैसे पाली भाषा में गहपति का इस्तेमाल छोटे कृषकों एवं जमींदारों के लिए किया गया है, यानी कि गहपति जो था, ठीक है, गहपति का इस्तेमाल किसी के लिए गया है, जो छोटे जो कृषक हुआ करते थे और जो जमींदार हुआ करते थे उनके लिए किया गया है। अच्छा, बड़े बड़े जमींदार एवं ग्राम प्रधान ताकतवर माने जाते थे जो कि अक्सर कृषकों पर नियंत्रण रखते थे। तो इनसे हमें ये पता लगता था कि जो समाज दो हिस्सों में कैटेगराइज था, एक वो जो कि गरीब जो कृषक थे और एक वो जो कि अमीर थे, ठीक है, और जो अमीर थे उनको जमींदार ही बोला जाता था क्योंकि ये गरीबों से काम करवाते थे और जो हिस्सा थोड़ा सा होता था वो उनको दे दिया जो काम करता था, बाकी सारा हिस्सा अपने पास रख लिया। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना सारा चीज हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रारंभिक तमिल संगम साहित्य में गाँव में रहने वाले विभिन्न भिन्न भिन्न वर्गो के लोगों का जिक्र है, जैसे बेल्लार यानी कि बड़े जमींदार। यानी कहने का मतलब यह है कि जो संगम साहित्य है इनमें विभिन्न प्रकार के जो गांव में रहने वाले लोग थे उनका जिक्र है। जैसे ये इनका बेल्लालर किसको बोलते थे, बेल्लालर यानी किसको बोला जाता था, जमींदार को बोला जाता था, बड़े जमींदार होते थे। और हलवाहा किसको बोला जाता था, ये जो हल से जो खेत जोतते हैं ना उनको बोला जाता था। आगे यह भी संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नताएं जमींदार के स्वामित्व, श्रम एवं नई प्रौद्योगिकी के लिए आधारित था। यानी कि ये जितनी भी चीजें थी इनका जो यूज किया जाता था, ठीक है, विभिन्नताएं जो थी ये बेसिकली किन किन चीजों की वजह से हो सकती थी, ये जमीनों के स्वामित्व की वजह से, किसी के पास ज्यादा जमीन है तो किसी के पास कम है, और जो जिनके पास ज्यादा जमीन है वो ज्यादा लैंडलॉर्ड हो गया और वो लोगों से काम करवाया करते थे। इसके अलावा श्रम एवं प्रौद्योगिकी, जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी वो अच्छा उत्पादन कर सकता था। तो इस तरीके से हमें यह समझ में आता था जो उनका जो साम्राज्य था उसमें कई सारे डिवाइडेशन चलते थे, कुछ अमीर थे तो कुछ गरीब हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज बताया गया है कि गृहपति कौन होता था। तो गृहपति जो घर का मुखिया होता था, जिसका नियंत्रण घर के बीवी बच्चों पे सब पे होता था, ठीक है, जितने ये पशु हैं उन सभी पे इनका नियंत्रण होता था, नौकर पे, दासों पे, इन सब पे नियंत्रण होता था। ठीक है, आगे अगर बात करें
तो घर से जुड़े जमीन जानवर अथवा दूसरे सभी वस्तुओं का मालिक होता था गणपति। कभी कभी इस शब्द का जो इस्तेमाल है संभ्रांत व्यक्तियों एवं व्यापारियों के लिए भी किया जाता था। संभ्रांत व्यक्ति कौन होते हैं? जो अमीर व्यक्ति होते हैं ना, उनके लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। यानी कि भूमिदान, इसमें हम बात करेंगे जो भूमिदान करता है उनके बारे में, और नए संभ्रांत ग्रामीण में बात करेंगे कि ऐसे जो ग्रामीण के जो लोग थे जो अमीर थे उनके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, भूमिदान प्राचीन काल से चलता आ रहा है, कोई नई चीज शुरुआत तो नहीं की गई है। आगे, भूमिदान में जो साक्ष्य मिलते हैं वे आमतौर पर धार्मिक संस्थाओं अथवा ब्राह्मणों को दिए गए थे। इनसे कुछ अभिलेख पत्थर पर लिखे गए हैं, किंतु अधिकतर जो है ताम्र पत्रों पर लिखे गए हैं, यानी कि जो तांबे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो तांबे के जो ताम्र होते हैं इनपे उस टाइम पे जो भी पाली भाषा वगैरह चलती थी उन सब चीजों के द्वारा ऐसे ऐसे करके लिखा जाता था। ठीक है, आगे, अधिकतर अभिलेख संस्कृत में थे। ठीक है, अधिकतर जो अभिलेख हुआ करते थे संस्कृत में थे। आओ एक ऐसे अभिलेख को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, यानी कि एक ऐसा अभिलेख अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें प्रभावती गुप्त के बारे में दिया गया है, जो कि जिन्होंने भूमिदान किया है उनके बारे में। तो देखिए, प्रभावती गुप्त प्रारंभिक भारत की एक सबसे अहम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, उनकी पुत्री हुआ करते थे जिनका कार्यकाल इस हिसाब से चलता था। आगे, उनका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो कि एक अहम शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों का मानना था कि महिलाओं को जमीन जैसे संपत्ति पर अधिकार नहीं हुआ करता था। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी अभिलेखों से यह ज्ञात होता था कि जो समुद्र प्रभावती गुप्त है, प्रभावती जो गुप्त है वो भूमि की स्वामी थी, उन्होंने दान भी किया था। हालांकि जो संस्कृत धर्मशास्त्र है ये इस चीज की अनुमति नहीं देती, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रभावती गुप्त थी इन्होंने दान किया था जमीनों का। आगे क्या है कारण, वह एक रानी थी, ऐसा ही माना जाता है वह एक रानी थी, इस वजह से ये दान कर सकती थी। और दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जो धर्म शास्त्र थे वो अलग अलग टाइप्स के लागू हुआ करते थे। ठीक है, कि मतलब अलग अलग साम्राज्य है तो कहीं पे धर्म शास्त्र के अनुसार चल रहा है तो कहीं पे नहीं चल रहा है। तो दो रीजन निकल के आते हैं, पहला एक तो हो सकता है कि वो रानी थी इस वजह से उनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा थी इस वजह से वो दान कर दी, या दूसरा चीज कि अलग अलग धर्मशास्त्र थे अलग अलग जगहों के हिसाब से, तो उस हिसाब से क्या पता कि जिस हिसाब से वहां के जो शासन चल रहा हो उस हिसाब से दान देने की प्रक्रिया हो। तो ये दो चीज निकल के आते हैं। तो प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ लें क्योंकि इसमें से एक नंबर के क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं। ठीक है, कि कौन सी जो गुप्त वंश में कौन सी ऐसी शासक थी जिसने दान किया था, तो ये चीज आप बता सकते हो। बाकी ये चीज है, आई होप सारी चीज आपको समझ में आई होगी। एक पार्ट और इसका आएगा और उसमें ये चीज ओवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।